मैंने अपनी नेक्स्ट डेट पे मिस्टर स्वीट को इम्प्रेस किया था अपने पैनाकोटा से, और वो पैनाकोटा मैंने फ्लेवर किया था मैंगो और प्रोलाइन से। पैनाकोटा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसका जो रिच एंड क्रीमी टेक्सचर है और जो फ्रूटी फ्लेवर है वो उसको बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग बना देता है। इवन मिस्टर स्वीट डिड नॉट नो दैट ही इज इन फॉर अ ट्रीट, और वही रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए है थोड़ी सी फुल क्रीम, इसके साथ हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा मिल्क, क्योंकि क्रीम से मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा हेवी हो जाता है, और दूसरी ही तरफ मैं पानी को हल्का गुनगुना गर्म करूंगी। ये पानी को एकदम ल्यूक वार्म करना है जेलेटिन के लिए। पानी गर्म हो गया है, अब पानी को जेलेटिन के अंदर डाल दूंगी ताकि जो जेलेटिन है वो फूलने लग जाए। यहाँ पे हमारा दूध और क्रीम गर्म हो रहा है, अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर डालूंगी वनीला एसेंस, जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स, वरना ये कड़वा हो जाएगा। वनीला इज सच एन इंटरेस्टिंग स्पाइस दैट व्हाटएवर डिश यू ऐड इट इन, इट गिव्स अ ब्यूटीफुल फ्लेवर टू इट, एंड इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस इन द वर्ल्ड आफ्टर सैफ्रन। इसे बॉइल करते हैं और साथ ही में डालते हैं थोड़ी सी शुगर। शुगर थोड़ी सी ज़्यादा डालनी पड़ेगी क्योंकि जब पैनाकोटा को सर्व करते हैं तो उसको चिल सर्व करते हैं, और चिल होके किसी भी डिश का जो स्वीटनेस है वो कम हो जाता है। इस स्टेज पे हम इसके अंदर डालेंगे मैंगो प्यूरी, जो कलर भी देगी और फ्लेवर भी बढ़ाएगी। I'm using gelatin in panna cotta, but if you want, you can use agar agar also in this. इसके अंदर मैं लगभग एक चम्मच जेलेटिन डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करके अब मैं इसे सीव कर लूंगी। इसको सीव इसलिए करते हैं ताकि जो जेलेटिन से अगर लंप्स पड़ गए हों वो बिल्कुल डिश में ना आए। आई फ्रैंकली थिंक प्लेइंग गेम्स इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हों, ज्यादा हैंग आउट करते हों और एंजॉय करते हों, दैट्स अ हेल्दी रिलेशनशिप। ये हमारा पैनाकोटा तैयार हो गया है, इसको चिल करने के लिए मैं अपने शॉट ग्लासेस में डाल देती हूँ। इसको बहुत केयरफुली ग्लास के अंदर डालेंगे। जो ग्लास के एजेस हैं वो बिल्कुल साफ होने चाहिए। अगर आप थोड़ा सा मेस कर दें तो घबराए नहीं, इसको हम टिश्यू से साफ कर लेंगे। अब ये चिल होने जाएगा फ्रिज के अंदर। एक दूसरे को स्पेस देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यू नो, यू बी योरसेल्फ एंड लेट हिम बी हिमसेल्फ, तभी रिलेशनशिप आगे जाता है। अब जरूरी तो नहीं कि वनीला आइसक्रीम चॉकलेट बन जाए जस्ट बिकॉज दे गेट अलोंग सो वेल टुगेदर। अब हमने अपना पैनाकोटा फ्रिज में रख दिया है चिल होने के लिए। अब मैं इसके ऊपर की मैंगो सॉस बनाऊंगी, जो कि बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें चाहिए है मैंगो प्यूरी, और साथ ही में कैस्टर शुगर। अगर मैंगोज बहुत ज़्यादा स्वीट हैं
तो आप चीनी डालना अवॉइड कर सकते हैं। अब ये सॉस पक गई है, अब मेरा पैनाकोटा भी चिल हो गया होगा, मेरी सॉस भी तैयार है। अब मैं पैनाकोटा को यहाँ लेके आती हूँ। You know, best games are those when everybody loses and everybody wins, but happily, especially in the game of love. ये मैंगो पैनाकोटा बिल्कुल सेट हो गया है। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी ये मैंगो सॉस और इसकी प्लेटिंग करूंगी। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ जो चिक्की है उसके छोटे छोटे टुकड़े करे हुए हैं, उससे इसको ड्रेस कर रही हूँ। बहुत आसान है, बाजार में आसानी से मिल जाती है। और इसके ऊपर मैं ये प्रलाइन लगा देती हूँ जो एक कलर के साथ एक बहुत अच्छी टेक्सचर भी देगा हमारे पैनाकोटा को। एक पैन में क्रीम और मिल्क को गर्म कर लीजिए और दूसरे पैन में पानी को लूप वार्म कर लीजिए। अब इस लूप वार्म पानी को जेलेटिन पाउडर में डाल दीजिए। मिल्क और क्रीम के मिक्सचर में ऐड कर लीजिए वनीला एसेंस, शुगर, मैंगो प्यूरी एंड जेलेटिन। इस पूरे मिक्सचर को अब सीव कर लीजिए। अब इन्हें शॉट ग्लासेस में ट्रांसफर कर लीजिए और फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दीजिए। मैंगो सॉस बनाने के लिए मैंगो प्यूरी और शुगर को गरम कर लीजिए। अब इस मैंगो सॉस को पैनाकोटा के ऊपर डाल दीजिए। टू मेक इट लुक ब्यूटीफुल, इसे चिक्की और प्रलाइन से गार्निश कर दीजिए। इसको हम सर्व करेंगे ऑन अ बेड ऑफ मिंट। और ये तैयार हो गया आपका मैंगो पैनाकोटा with praline for your sweet tea।